मंच पे विराजमान डॉक्टर शरद कुंटे जी, डॉक्टर शेखर मांडे जी, शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के श्री विनोद तावड़े जी, डॉक्टर विजय भटकर जी, प्रोफेसर एमएम शर्मा जी, डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी, सुरेश नायक जी, यहाँ पे उपस्थित मुझे लगता है पूरे भारत से आए हुए साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक जो अपने आज पेपर्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट करेंगे, अपनी रिसर्च प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसी गैदरिंग में एक आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ और आपसे बात करने का मुझे अवसर मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जहाँ से मैं पास आउट हुआ था। 11वीं के बाद मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चला गया था और वहां पर जब सब्जेक्ट्स अलॉट हुए तो पता चला कि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो आपको साइंस जरूर पढ़नी थी। सबके अपने अपने वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें मेरे भी कुछ वीक सब्जेक्ट्स थे। सोचा था 11वीं के बाद सेना में आ गए तो अब सिर्फ बंदूकों से वास्ता रहेगा, लेकिन वहां पर भी साइंस का सामना करना पड़ा सबसे पहले। लेकिन अच्छे टीचर थे और अच्छा माहौल था और धीरे धीरे ये लगा कि साइंस या विज्ञान तो जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह से अभी तावड़े जी ने कहा कि अक्सर हम जो भी पश्चिम में होता है उसको स्वीकार कर लेते थे कि ऐसा माहौल था पहले, अब काफी बदल रहा है, समय ऐसा है 21वीं शताब्दी के अंदर कि जीवन और सरल होना चाहिए था, लेकिन उसी सरलता में जीवन और मुश्किल होता जा रहा है, चुनौतियां और बढ़ती जा रही हैं। आप हेल्थ सेक्टर में देखिए तो पहले से आज ज्यादा चुनौती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे और भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। एग्रीकल्चर के अंदर, फसलों में, उत्पादन के अंदर, हर चीज के अंदर एक नई चुनौती है। इन सब चुनौतियों को अगर सही तरीके से पार करना है तो उसके अंदर स्वदेशी जो शब्द यूज करा, मैं उसको एक और तरीके से कहता हूं कि अगर विज्ञान का इस्तेमाल सही होना है तो जिस जगह विज्ञान का इस्तेमाल होना है वहां की नॉलेज जरूर शामिल होनी चाहिए। अगर वहीं का व्यक्ति विज्ञान के अंदर वहां की समस्या को हल करे तो वो समस्या सही रूप में हल होगी। बाहर का सलूशन अगर लेकर आओगे तो आपको उसको मॉडिफाई ही करते रह जाओगे, बार बार उसमें मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे और कभी भी वो मूल रूप से उस लोकल समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। और इसीलिए मैं आज धन्यवाद देता हूं विजनना भारती जिसने ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन करा। हर दो साल में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है, उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में जो वैज्ञानिक यहां इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसे माहौल के अंदर इकट्ठे हुए हैं जहां एक भरोसा है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी पेपर, कोई भी उनकी जो इन्वेंशन है उसको आगे और पंख मिल सकते हैं। ऐसे इस परंपरा को आप कायम रखिएगा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। पिछले कुछ साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लगातार बार बार कहा है कि एक साइंटिफिक टेंपर की जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिंदगी में साइंस से आप दूर नहीं रह सकते, तो एक साइंटिफिक टेंपर की जरूरत है और शुरू से अगर वो साइंटिफिक टेंपर डेवलप करा जाए तो हर सोच जो स्टूडेंट्स की होगी वो कहीं ना कहीं साइंस से मिलती जुलती होगी और उस वजह से जो एप्टीट्यूड होगा और जो हम अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज को, वो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन और भी आसान हो जाएगा। पिछले एक दो साल के अंदर ही मंगलयान, बल्कि बहुत ही रिसेंटली मंगलयान 104
सैटेलाइट्स को ऊपर ले गया, हमने साउथ एशिया के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करी। 2017 में हम उस देश के लिए सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो 1960 में हमें गेहूं कम दाम पे देता था। ये बदलाव आया है आज के हिंदुस्तान के अंदर। पूरे विश्व के अंदर अगर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेकर कोई देश आगे बढ़ा है कि गांव गांव तक हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, गांव गांव तक हमारे को डिजिटल इंडिया लाना है, तो पूरे के पूरे विश्व में एक ही देश है भारत जो इतना बड़ा काम कर रहा है और पूरा विश्व इस बात की दाद देता है भारत को। साथ साथ जो आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम जो शुरू करा है, मुझे अवसर मिला कुछ समय पहले, केन्या के राष्ट्रपति आए हुए थे और उनके साथ में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जब उनके साथ में चल रहा था बातचीत में, मैंने कहा कि हमने इस तरह से मोबाइल फोन्स को, आधार को, बैंक को इस तरह से हमने जोड़ा है और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का डेवलप करा है, तो वो भौचक के रह गए कि मतलब एक तरफ केन्या जिसकी आबादी बहुत कम है वो वहां पर कोशिश में है इसको करने में, और हमने भारत में जिसकी आबादी कई गुना है हर देश से, वहां पर हमने ये कर दिखाया है। तो ये तभी संभव हो पाया है जब कोई साइंटिफिक टेंपर वाले दिमाग ने इसके ऊपर काम करा है कि किस तरह से हम जो लीकेज होता है, जो एक प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश में जब दिल्ली से जब पैसा जाता है तो बहुत कम पैसा नीचे तक पहुंचता है, इस लीकेज को किस तरह से कम करा जाए उसमें भी कहीं ना कहीं साइंस की जरूरत है। हर जगह साइंस की जरूरत है और वो तभी पूरा हो सकता है जब हम कोई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें, और उसके लिए जरूरत है रिसर्च की। ये ताज्जुब की बात है, तावड़े जी ने अभी कहा और बिल्कुल सही कहा कि पिछले सालों, कई सालों से, दशकों से सिर्फ 0.25% इन्वेस्ट हो रहा था। तभी आप डिफेंस के अंदर ले लीजिए तो सब जो चीज आती है वो बाहर से आती है, या कोई भी और टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले ले तो जो चीज डेवलप होती है वो विदेशी डेवलप कोई भी हम भारत में लाते हैं। ये तभी ये इस हम स्थिति तक पहुंचे हैं। इसको बदलना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि सरकार इसको, इसके ऊपर देख रही है और बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करना निहायत ही जरूरी है। अब मेक इन इंडिया जो चल रहा है और जिस तरह से डिफेंस सेक्टर के अंदर एक तरह से अनिवार्य कर रहे हैं कि भारत की बने हुए हथियार और यहीं पर बनी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, और अगर कोई विदेशी कंपनी है तो भारत में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करे और यहां पर उसको डेवलप करे, मुझे लगता है इससे बहुत सुधार होगा आने वाले समय में। जो परंपरा है भारत की, उसमें कई सालों से ऐसी आधुनिक चीजें इस्तेमाल होती थी जिसका आज भी हमें गर्व है। योगा आज पूरे विश्व के अंदर फैल गया है। एक समय तो ऐसा था जहां हमें लग रहा था कि योगा को हम खो चुके हैं, क्योंकि उसको इस तरह से मॉडिफाई करा जा रहा था, इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करी जा रही थी कि लग रहा था योगा को भी अब पश्चिमी देश ही ऊपर लेकर जाएंगे। धन्यवाद देता हूं मैं प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश का कि वापस से योगा को हमने अपनाया है, और योगा को न केवल अपना कर पूरे विश्व में हमने फैलाया है कि आज पूरा विश्व योगा डे सेलिब्रेट करता है। बहुत सी जरूरतें हैं आज पूरे भारत में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरी जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी ग्रामीण है, और जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं किस तरह से छोटी छोटी जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वहीं के लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ वेल्डिंग करके कुछ मैकेनिकल चीजें तैयार करते हैं। वो भी अपने आप में एक साइंटिफिक टेंपर है। उनको जिस तरह का एक अवसर मिला उस तरह का अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका जीवन आसान हो सके। मुझे लगता है कि आप सब के परिश्रम से और आप सब की दूरदर्शिता से इस ग्रामीण भारत का उदय होगा, और जो चीज़ें हमें चाहिए
इस रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में, वो आप लोग डेवलप कर पाएंगे अपने इनोवेशन से और अपनी टेक्नोलॉजी से। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने जो बुद्धि से, अपनी जो सोच से जो आप उपकरण बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं, उसका भारत खूब इस्तेमाल कर पाए, और न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस्तेमाल कर पाए। सब जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जब भी किसी टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदुस्तानी उसमें शामिल हुआ है। अब समय यह है कि हर चीज में, दुनिया के हर देश में, कहीं ना कहीं जहां पे भी कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़े उसमें हिंदुस्तान का जरूर कोई ठप्पा हो, अपना स्टैंप हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।